अस्सलामुअलैकुम के हाल बहन भाइयों, मेहरबानी करके हमारे चैनल के सपोर्ट करो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, और जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। तो इसी नेक सी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप बहन भाइयों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह माशाल्लाह सपोर्ट आप बहन भाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और सपोर्ट इसी तरह करते रहिएगा तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर हौसला अफजाई होगी। तो आज की जो भी रूटीन होगी, आज है हमारे सुबह के नाश्ते की रूटीन, और जो भी रूटीन होगी आप बहन भाइयों के साथ करेंगे शेयर। आपने रहना है हमारी वीडियो के साथ साथ। गाइस, ये है जी हमारे सुबह सुबह का टाइम, सुबह भी बच्चे सोए हुए हैं, और इधर ईमान फातिमा ये देखें सामने मेरे पास चारपाई पे आई हुई है, और इधर ये देखें हीटर चल रहा है, और ये बैटरी है नीचे अरूज चारपाई के साथ छोटे बेबी को जो है ना वो झूले दे रही है, और ये देखे इधर है ईमान फातिमा बेबी के नाम पे हंसता है ना। क्यों बेबी के नाम पे हंस रही हो? ये शापर गंदा है, छोड़ दो ना करो। तो इधर सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, ऊपर देखो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। और इधर अली हसन सोया हुआ है, और इधर बैठी है वो सामने, हीटर भी चल रहा है सुबह सुबह का टाइम, और इधर बैठी है अरूज फातिमा जो कि बेबी को झूले दे रही है। और नाजरीन ये देखें बाहर भी बेगम ने भी चूल्हा जलाया हुआ है सर्दी में, और ये इधर बैठकर आटा गूंद रही हैं। आटा गूंदा जा रहा है जी हमारा। ये है सुबह सुबह के नाश्ते की रूटीन हमारी, देखें माशाल्लाह। साथ चूल्हा भी जलाया हुआ है क्योंकि बाहर अंदर हीटर तो उस कमरे में चल रहा है और कमरा बंद है, उधर छोटा बेबी भी है, और इधर जो है ना बाहर बेगम ने अपनी सर्दी से बचने के लिए चूल्हा जलाया हुआ है। हाँ, साग सुबह सुबह नाश्ते के साथ साग मज़ा करेगा, उसको तड़का तड़का लगाओ उसको। तो गाइस, सुबह आटा गूंदने के बाद बेगम जो है ना वो धो रही है बर्तन, ये देखें सुबह सुबह गरम गरम पानी के साथ, गीजर लगा हुआ है और गरम पानी के साथ धोए जा रहे हैं बर्तन, ये देखें बर्तन धोए जा रहे हैं। और बर्तन धोने के बाद फिर हमारे पकेंगे पराठे। साथ अली हसन खड़ा है, और इधर चूल्हे के ऊपर सालन रख लिया गया है। और एक गुड न्यूज़ देनी थी कि हमने न्यू चूल्हा लिया है माशाल्लाह। और नाज़रीन ये देखें अरूज फातिमा छोटे बेबी को झूले देते हुए। तो अरूज इधर पीछे वो देसी घी पड़ा है वो उठा के दो, साग को तड़का लगाना नहीं, इधर ये पीछे अलमारी खोलो, अलमारी खोलो, इधर नीचे वो देखो अंदर डिब्बा पड़ा है, बड़ा है ना बड़े वाला, इधर देख ये आ गया जी, इसमें हमारा देसी घी जो कि बेगम साहिबा मांग रही हैं कि हमें दो और हम साग को तड़का लगा। बेगम साहिबा ये आ गया जी आपका देसी घी, बस पूरा जा लामी तड़का, थोड़ा जा साग ज़्यादा ना लामी, आओ तो सौख गया इतनी देर च।
तो गाइस ये देखें, ये है जी हमारा साग को तड़का लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और हल्का सा अदरक। तो ये प्याज को बेगम जो है ना वो लगा रही है तड़का। तो माजरत। तो सुबह सुबह ये देखें जी हमारा आज नाश्ता होगा साग के साथ, और ये साग को तड़का लगाया जा रहा है जी। साग को तड़का लगा के पराठे के साथ साग मज़ा करेगा माशाल्लाह। तो गाइस मैंने भी फ्रेश होना है, नहा के फ्रेश हो के काम पे भी जाना है। तो अभी मैं हो रहा हूँ ज़रा फ्रेश। देसी घी, साग को तड़का लगाया जा रहा है, और इधर आलू मटर का सालन सामने बेगम। तो माशाल्लाह सुबह सुबह मज़ा, क्या बात है जी, वो भी बोनस की। नाज़रीन ये देखें जी हमारे साग को लगाया जा रहा है तड़का, इस तरह चूल्हे के ऊपर रख कर, और ये अब फुल इसमें अब डाला जाएगा साग। ये पड़ा हुआ है जी साग हमारा माशाल्लाह, और इसमें थोड़ा सा तड़का लगा के ये देखें चूल्हे के ऊपर देहाती माहौल में। तो अब ये देखें, अब इसमें के अंदर जो है ना ये सब, जब इनका प्याज का रंग जो है ना हल्का हल्का वो सही तरह तड़क हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर साग डाला जाएगा। गाइस ये देखें माशाल्लाह साग, देसी घी, और इधर आलू मटर का सालन और पानी। आ जाएं जी, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके बैठ जाएं, नाश्ता करें। जिस बहन भाई ने खाना है देसी सौगात, और इधर हमारे जो है ना वो पराठे बांटने, ये हल्का हल्का धुआं टाइप आ रहा है, ये वो धुआं इसका बना हुआ है, इसका धुआं टाइप जो है ना वो बना हुआ है, इस वजह से ये थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी आ रही है, क्योंकि कमरे में जो है ना वो किचन में वो बन रही है, इसका नाम क्या नाम है ये पराठों का जो है ना धुआं टाइप वो है। तो आ जाएँ, देसी कल्चर के साथ हम खा रहे हैं नीचे बैठ के चूल्हे के करीब, ये देखें माशाल्लाह। तो जिस बहन भाई ने आके खाना है आ जाएँ हमारे साथ, सरसों का साग, देसी घी और आलू मटर का सालन।